हम जब हम लोग जा रहे हैं गांव पे और यहाँ पे एक सर जी हैं, उनसे बात किए और बात करके बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप लोग से मिलवा दूँ और उनसे थोड़ा बात किया जाए। तो सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप। जय गुरुदेव, गुरु गुरु विष्णु गुरुदेव ओ महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इंट्रोडक्शन परिचय, लौकिक नाम तो विजय कुमार झा हो जाता है, जन्म स्थान समस्तीपुर ताजपुर प्रखंड असाढ़ी गांव से बिलोंग्स करता हूँ। कर्म स्थान हो गया अभी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, वहाँ अपना मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन तत्काल 22 जुलाई 2022 से तीर्थ भ्रमण और अभी तत्काल 3 महीने से हरिद्वार गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में ही हूँ और समय अपने जीवन का जो भी समय दान है वो हरिद्वार में ही दे दिया हूँ। यही छोटा सा परिचय। मेरे जो दर्शक हैं उनको कुछ बताएंगे? मतलब कुछ नहीं, भगवान के चरणों से जुड़े रहिए और खास करके मातृदेवो भव पितृदेवो भव जीते जी इनवाइट करेंगे वहाँ पे आने के। जी जी, मैं चाहता हूँ अपने पूरे परिवार, वही मैं बोलना चाहता, अपने माता जी पिताजी पूरे परिवार के साथ अकेले मत आइए, क्योंकि क्या होता है अच्छा ज्ञान देना है तो सबको दीजिए ताकि आपके माध्यम से पॉजिटिव मैसेज सबको जाए। पूरे परिवार हरिद्वार गायत्री तीर्थ शांति कुंज में आइए, आप लोगों का स्वागत है। और वहां से एक पत्रिका निकलती है अखंड ज्योति, वह हमारे परम पूज्य युग ऋषि तपोनिष्ठ गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखी ही बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, उसमें एक अखंड ज्योति पत्रिका आपको मासिक पत्रिका पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर पर जाएगा, जिसका सालाना किस्त 300 रुपये मात्र है। अगर आप लोग देना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें, उपेंद्र जी से संपर्क करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। युगाधिपति महाकाल की जय। तो दोस्तों ऐसा है कि जो सर का जो सर बताए थे उनका जो वेबसाइट है और जो भी एड्रेस है जहाँ से आप पत्रिका मंगाएंगे मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग मंगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरा सौभाग्य है कि आपके पूरे परिवार का दर्शन हुआ, आप साक्षात लक्ष्मी के पिता हैं, 3 बच्चे के पिता हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी मैडम आपकी पत्नी जो है आपकी अर्धांगिनी जो है आपको ये अपना वंश प्रदान किए हैं आपके कुल को, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके पूरे परिवार का मुझे दर्शन हुआ है। देखने में और दर्शन में दोनों में अंतर है, देखना नहीं ये दर्शन हुआ है। मैं बहुत आह्लादित हूँ, खुशी हूँ और आपको कोट कोट नमन, कोट कोट धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और जो गिल्ट हो रहा हूँ मैं तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं शांति कुंज हरिद्वार से ही बात कर रहा हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मैं अपने परिवार में भी अपनी पत्नी और दोनों बच्चे को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन लोगों के कारण ही मुझे यह तीर्थ भ्रमण और शांति कुंज हरिद्वार में रहने का मौका मिला है। अगर आज वे लोग इस तरह से नहीं आदेश देते, मैं तो आदेश ही पॉजिटिव मैसेज दूंगा, तो मैं भी नहीं आ सकता था। इसलिए मैं सर्वप्रथम अपनी पत्नी और बच्चे को भी धन्यवाद देता हूँ। अब प्रश्न उठता है कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला काम है हम लोगों का व्यक्तित्व निर्माण, फिर परिवार निर्माण, समाज निर्माण, इसके बाद राष्ट्र निर्माण। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग इसी को फॉलो करते हैं और इसी पर सब कार्यक्रम कर रहे हैं। बोलिए गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय।